अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारे जो है इधर एक खिड़की थी, और जब हमने दरवाज़ा हटा दिया था तो काफ़ी दिनों से हम ये खिड़की जो है खोलने की कोशिश कर रहे थे कि खुल जाए, लेकिन इस पर जंग ही इतना लगा हुआ था। बारिश की वजह से, बारिश होती है तो जंग तो लग ही जाता है, तो वो आज जाके इतनी मुश्किलों से खुली। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी जब जाके ये जो खिड़की है वो खुली है। तो अब हम इसके बाहर आपको एक चीज़ दिखा देते हैं जिसे देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। पहले जो है आ जाओ, ये दरख्त जो है हमने पता करा तो ये हमें पता चला कि केले के जो है पत्ते तो बड़े बड़े होते हैं, उनकी जो सीखे जो है ना कम निकली होती है। ये जो है ना नारियल के दरख्त हैं, और ये माशाल्लाह से हमारी खूबसूरत सी मस्जिद है। ये इसकी बैक साइड है, और इधर जो है एक गार्डन है, मतलब नीचे थोड़ी सी टाइलें लगा दी गई हैं, लेकिन पीछे की तरफ जहाँ ये पौधे हैं ना, दरख्त वगैरह दिख नहीं रहा होगा सही से, यहाँ गार्डन है छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। आपको एक चीज़ दिखानी थी, शुरू से दिखाओ। वहाँ जो है ना, वहाँ मैं दिखाती हूँ, दूर दराज में तो नहीं है खैर इतना, वहाँ की तरफ ये इधर ना कौए ने घोंसला बना हुआ है माशाल्लाह से, क्यूट सा। उसमें छोटे छोटे कौए के दो बच्चे भी हैं, पर इसमें सही से दिख ना रहा होगा, वो हलचल ही नहीं कर रहा, मतलब हल्के हल्के से दिख रहे हैं ऊपर से भी। तो अभी हम कौओ थोड़ा हिलो बच्चों, दिख रहे हैं यार उधर की तरफ है। खैर मैंने दिखा तो दिए, कहाँ उधर, यहाँ की तरफ है वो बच्चे। तो अगर वो हल्का फुल्का हिलते हैं तो दिख जाएंगे, और हम उनकी जल्दी से वीडियो बना लेंगे। और यहाँ जो है हमारी मस्जिद की तरफ काफ़ी कबूतर भी आके बैठते रहते हैं, जंगली और पले हुए, वो देखें। तो दोस्तों, मेरे पास जो एक आइडिया है, वैसा मेरे पास एक आइडिया है, बोलो। ये दिखाओ, ये जो हमारी डक्स हैं, दिखाओ इनका खाना हमने अभी खाया डाला है, तो इन्होंने मतलब थोड़ा खाया, थोड़ा बचा हुआ है। तो अरे दाना दिखाऊंगा इनका। तो रोटी जो है ना, मैं सोच रही हूँ रोटी जो है उठा के थोड़ी सी कौवे को डाल दें, मेरे ख्याल से खा ही लेता हूँ। खाते होंगे है ना? खाते होंगे। उठा के रोटी डालते हैं, चलो उठाओ। तो दोस्तों, रोटी जो है हमने इधर चिपका दी है, अगर कोई कौवा आ जाए और ये देख ले तो शायद ये उठा के ले जाए, लेकिन अभी तो दूर दराज तक मुझे एक ही कौवा नज़र आ रहा है, वो भी बहुत दूर बैठा हुआ है किसी की छत पे। वीडियो में वो क्लियर दिखेगा भी नहीं, बहुत दूर है और ऊपर की तरफ है। तो अब देखते हैं कोई कौवा देखता है तो आता है। हाँ, लेकिन कबूतर जो है ना, अभी आगे पीछे कबूतर उड़े जा रहे थे, क्या पता कबूतर रोटी खाएंगे। सुनो, खाते हैं कबूतर रोटी, मुझे क्या पता खा लें, भूख में तो कुछ भी खा लेते हैं इंसान है या जानवर। तो ये अब मैं दिखा देती हूँ डक्स थोड़ी सी अपनी, आ जाओ। हमारी डक्स जो हैं इधर ही हैं, बस ये लोग एक ही वक्त से निकलती हैं, जब हम सुबह आते हैं इन्हें भूख लग रही होती है तो ये लोग निकल के आती हैं और हमसे कहती हैं कि खाना दो। तो जब ही निकलती हैं ये लोग, वरना जो है ये जब तक हम यहाँ रहेंगे ना तो ये लोग अंदर ही रहेंगे। हाँ, हम बाहर से इन्हें देखते हैं तो ये इधर दरवाजे के आगे की तरफ बैठी हुई होती है टब के पास, लेकिन जो हम आते हैं तो ये अंदर ही अंदर रहती हैं। और दोस्तों, जो हमारी कबूतरी है उसे भी देख लेते हैं, वो जो है उसने जो है दूसरा अंडा दे दिया था, कल शाम को दे दिया था, ठीक है। तो अब हम उसे भी देख लेते हैं कि वो अंडों पे सकते बैठी हुई है या नहीं, आधे अंडे बाहर हैं आधे इधर हैं, कोई मशरूम में कोई मगरब में, तो देख लेते हैं। आ जाओ भैया, ये हमारा प्रिंस फ्रैंक, इसका कुछ काम ही नहीं है, इसे तो भाई हमें हम आते हैं और इसे गुटुगु करना है। ये चलो, हम क्वीन इज़ाबेला को देख लेते हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं पकड़ना पड़ जाएगा मुझे अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे कैमरे पर। अंडों पर बैठी हुई पूरे अंडे अंदर है, मुझे भी सही से नहीं दिख रहा। हाँ, बैठी हुई है पूरा अंडों पर, अब वहाँ का पता नहीं से। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, शुरू से दिखा दो क्या है, मुझे कब नहीं पता। तो दोस्तों, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मेरी फिंगर पे बैठी हुई है, अब तो पूरे हाथ पे ही चढ़ गई तुम तो। ये जो है हमारी टैम तो नहीं हुई है, पर ये उड़ नहीं सकती है सही से, तो इस वजह से ये बैठ जाती है, क्योंकि हम इवा जायरी को भी ऐसे बिठाते थे जब वो छोटे थे, लेकिन जैसे ही बड़े हुए गद्दार हो गए, मतलब कि उड़ना सीख गए, तो अब आके बैठते ही नहीं है। हाथ पे 2 मिनट बिठा के आलो, एकदम से हाथ हटाओ तो उड़ के फ़ौरन भाग जाते हैं, पता ही क्यों इतना डरते हैं हमारे वह जहरी। और ये लोग भी डरेंगे मुझे लगता है बड़े होके, और
हाँ अगर ये हमारे पास अलग से रहें, जैसे कि पर्सनली हमारे पास रहें तो शायद ये लोग कैम हो सकते हैं, वरना ऐसे तो कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा भी डरते हैं, वो लोग कहते होंगे इंसान के पास नहीं जाया करो, उड़ जाया करो, ये वे कुछ तो कहते होंगे ना अपनी बोली में, तो इस वजह से। लेकिन ये जो है हाथ में बैठ के बहुत ही प्यारी लगती है, माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लग रही है, उड़े जा रही है, उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। और इसके नाखून बहुत ही ज़्यादा जो हैं शार्प हैं, और बहुत ही चोटे मारती है, बहुत ही ज़्यादा कोई चोटे मारती है हाथों पे। ये देख लें कितनी प्यारी है हमारी। इसका नाम क्या रखें शमैसा? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जब क्वीन इज़ाबेल और प्रिंस चार्म शुरू शुरू में आते थे, हम उन्हें क्या कहते थे? मुन्ने और मुन्निया। हाँ, तो इनका नाम मुन्ने और मुन्निया रख दें। वैसे इस तरह के नाम अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन ऐसी रख देते हैं। उड़ गई तुम, डग जो है ना, जैक जैनी मैं छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाओ, तो मैं रख देती हूँ, तो बहुत थक गई होगी है ना, थक गई। चलो तो अब रख देते हैं हम इसे। दोस्तों मुन्निया को तो हमने रख दिया है, और अब हम सोच रहे हैं जो हमारा एक चूजा बच्चा है उसका नाम भी मैं बता देती हूँ शमैसा। जैसे हमने वीडियो में नहीं बताया था कि हाशी का जो चूजा मर गया था उसका नाम हमने चीकू रखा था। हाँ, तो इसका नाम चीकू रख देते हैं। ऑरेंज भी है और चीकू भी है। हाँ, ठीक है, तो इसका नाम चीकू रख देते हैं। मेरे ख्याल से हल्की हल्की जो है ना बूंदे स्टार्ट हो गई है ना, बूंदे स्टार्ट हो गई है। तो हमने जब से ये लोग बड़े हुए हैं ना, हमने चीकू से इन्हें मिलवाया नहीं है, तो चीकू को लेके आते हैं और चीकू से मिलवाते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है। तो चलो आ जाओ, हमारे जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं वो इधर हैं, माशाल्लाह से ये लोग दिखते नहीं हैं क्योंकि ये जो है ब्लैक कलर में है। करीब जाएंगे तो इनका हल्का हल्का शेड नज़र आ जाएगा, जैसे कि गोल्डन है, किसी पे मुर्गा नज़र आ जाते फिर भी, पर मुर्गियों में अभी क्या है नज़र ही नहीं आती। तो हमारा जो ये हमारा दरवाज़े पे इंतज़ार कर रहा होता है, ये यहीं रहता है जैसे ही हम आते हैं। तो अब हम इसे भी निकालते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गुड्डे। ये इनकी आवाज़ कैसी हो जाती है ना, बड़े जैसे होते रहते हैं मुर्गियों जैसी, जैसे चिकन वाली की शॉप पे होती है। तो हम जो हैं चलते हैं, आ जाओ भाई, चलो 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 चलो, गए नहीं जाना है, गए नहीं जाना। ये जो है ना चूजे जो हैं छलांग मार लेते हैं, वो तो उनका डर नहीं है हमारे मुन्ने मुन्निया क्या, क्योंकि वो छलांग ही नहीं मारते। हाँ, उड़ के कहीं पिंजरों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। ये जो हैं भाई, इन्हें अपनी कोई फिक्र ही नहीं होती, नाजुक सी हड्डी होती है, कोई दम बम होता नहीं इनके अंदर, छलांग मारने से मतलब होता है। ये देखें पागल हो। तो दोस्तों हमारा चूजा इधर है, और जो प्रिंस रहेंगे मेरे ख्याल से इधर आने की कर रहा है। हम जो है ना बच्चों को निकाल लेते हैं, इसे तो इधर नहीं छोड़ेंगे, अम्मा जो है ना ठोंगे मार मार के इसका हाल ही कुछ और कर देगी। तो अब हम बच्चों को निकालते हैं, चलो तो बच्चों को निकालते हैं। तो दोस्तों इन सबको जो है हमने इधर छोड़ दिया है, ये लोग जो है शान से खड़े हुए हैं बुत बन के, और वो जो है अपना लगा पड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें सवारी करनी है, कबूतर की सवारी, आ जाओ तुम्हें सवारी करवा सवारी कर लो। तो दोस्तों ये जो है ना, ये मुन्निया, ये जो इससे चूजे से डर रही है, अभी देखेगा कैसे डरेगी है ये भी डर। तो दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ कि हमसे ना कोई कह रहा है कि आप लोग ना एवा जैरी जो है ना हमें दे दें, उन्होंने मांगा है काफ़ी इससे, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें दे देते हैं, सोच नहीं रहे मतलब उन्हें देना तो होगा, अच्छा नहीं लगता है कोई मांगेगा तो हमें देना तो पड़ेगा ही ना। तो इस वजह से आज शाम को जो है एवा जैरी जो है चली जाएंगे, तो आपको हम अभी एवा जैरी को आखिरी दफ़ा दिखा देते हैं कि एवा जैरी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम तक तो चली जाएंगे। तो इस वजह से थोड़े अपसेट भी हैं हम। शमैसा तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अजीब, बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर मैं सोची हूँ एवा जैरी चली जाएंगे, चलो यार कोई बात नहीं, अब उन्होंने मांगे हैं तो हम देखते हैं। हम दूसरे कबूतर ले आएंगे। हाँ चलो देखेंगे, ले आएंगे नाना होगा तो। अभी तो खैर एवा जैरी को अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं, अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं अभी से ही, क्योंकि जब वो लेने आएंगे तो काफ़ी जल्दी जल्दी का टाइम होगा और हमें दे देना होगा। इस वजह से अभी के लिए हम उन्हें अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और देख लेते हैं उन्हें मिल लेते हैं। और जो हमारी डग जो हैं बाहर निकल गई हैं खाना खाने के लिए,
हमें डर है कि वो इधर आके जो है इन्हें काट वाटर ना लें, क्योंकि ये जो ये है ना जैग, ये बहुत ही ज़्यादा ये तेज है, मतलब फौरन देसी कबूतर अगर नीचे आ जाए उसकी गर्दन पे हमला कर देता है, और जैसे मगरमच्छ नहीं होता एकदम से हमला कर देता है उसकी तरह मगरमच्छ की तरह हमला कर देता है। अभी तो देखो इसकी आँख कितनी खतरनाक लग रही है, इसकी आँख पे ना मेरे ख्याल से इसने पीट पी होगी ना, छींटे इसकी आँखों तक आ गई होंगी, और वो इससे बड़ा खतरनाक लग रहा है। वीडियो में इतना नहीं लग रहा जितना रियल में लग रहा, और ये देखता भी ऐसे है घूर घूर के, बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। अरे अरे इधर ये जो है इधर आ गए, मेरे ख्याल से ये लोग जो है टप में जाने की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। उसमें से जैनी भी काफ़ी गंदी हो गई है, तो इसे भी साफ़ करना है ना। हाँ तो दोस्तों इवा जो है फुल गुस्से में हो रहा है, जैसे कि मतलब हम मुनिया जो है हमने नीचे रखी हुई है, इवा जो है बार बार उड़ के हमारे सरों पर कूद रहा है, मतलब नीचे आने की कर रहा है। मेरे ख्याल से हम जो रोज़ाना इन्हें नीचे छोड़ते हैं ना खाने के लिए, इस वजह से तो नहीं आ रहा। हाँ क्योंकि रोज़ छोड़ता हूँ तो। चलो मैं कोशिश करती हूँ, ये नीचे आता है तो देख लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने इवा और जेरी को जो है नीचे उतार लिया है, और ये जो है फिर से उड़ने की कर रहा है, इसका समझ नहीं आता है, इसे अपने भाई के साथ खेलने का शौक ही नहीं है। और वो देखिए मुनिया ने जो है दोस्ती लगा ली है उसके साथ, चीकू के साथ, वो चीकू और मुनिया एक साथ खेले जा रहे हैं, दोनों मिलकर बाजरा खा रहे हैं। तो वैसा मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या आइडिया है? सुनो इवा जेरी तो यार चली जाएंगे है ना, तो मैं सोच रही हूँ इवा जेरी के ना रिंग निकाल के मुन्ने और मुनिया को पहना देंगे, ठीक है? इवा का मुनिया को पहना देंगे और जेरी का मुन्ने को पहना देंगे, और इनका नाम भी इवा और जेरी रख देंगे, ठीक है? और जो इन्हें है ना इन्हें भी हम रिंग पहना के भेजेंगे, ठीक है? इन्हें जो है मतलब येलो रिंग पहना देंगे, लेकिन इवा जेरी को उतारेंगे, ठीक है? मेरे पास ये आइडिया है, करना है ये? हाँ कर लेते हैं। ठीक है तो हम ये करते हैं, इवा जेरी को इनके ही रिंग पहने रहेंगे, हम दूसरे अच्छे से लेंगे। हाँ लेकिन इनकी याद के लिए। हाँ इवा जो है इसका भी रिंग निकाल लेंगे, और ठीक है ना, तो अल्लाह हाफिज़ इवा जेरी। सुन रहे हो तुम लोग तो हमसे डरते ही रहते हो, अब दिखाना मैं कैसे डरते हैं ये लोग, ये देखो उछल उछल के डरते हैं। बचपन में हमने इनके साथ इतना खेला, इन्हें याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, इनकी याददाश्त कमज़ोर तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं है तुम लोगों की याददाश्त? देखिए ऐसे डरते हैं पागलों की तरह। चलो तुम लोग डरते रहो, और हमें जो है लाफेस हम पकड़ के ही कर लेंगे तुम लोगों, ठीक है? और मुनिया चीकू को देखो, इनकी दोस्ती जो है माशाल्लाह से मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रहा है। रोज़ाना ना चीकू और मुनिया को ना खेलने दिया करेंगे, ठीक है? वो तो भाई मुन्ना जो है उसका तो कुछ अता ही पता नहीं है, उड़ उड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है इसे, हालांकि मुनिया से छोटे हैं, मुनिया तीन फ्लाई नहीं करती है, मुनिया अजीब लग रहा है यार ना हम है ना अभी। चलो मुनिया ही बोल लेते हैं, थोड़ी देर की बात है, जो है वो ऊपर जा जाके बैठ रहा है, छोटा है हालांकि, लेकिन फिर भी उड़ना आता है माशाल्लाह से, ऊपर जाके बैठ जाता है। मुनिया जो है गिरते रहती है, उड़ नहीं पाती है, और इवा जेरी जो गर्दन के से लाल हाँ भाई हाँ हाँ मुझे समझ आ रहा है। चलो तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सिस्टर्स मिनीजू को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।